अच्छी बात सुनने को मिली। एक बात तो मुझे कह रही है इसके बारे में, इसमें कोई शक नहीं है कि चाहे विवाह हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे फ्यूनरल हो, उन सभी चीज़ों में एक प्रकार से जो भी पद्धति है वो उस समाज की जो वैल्यूज हैं, उसकी आइडेंटिटी है, उसको रीअफर्म करती है। चाहे वो किसी भी मत के हो, लेकिन जिस प्रकार से वो करते हैं उसकी जो है आइडेंटिटी को वो रीअफर्म करते हैं। प्रश्न यह है कि प्रगति या परिवर्तन किस प्रकार से होगा। अगर परिवर्तन इस प्रकार से हो कि देश में जो है या समाज में फूट पड़े या क्लेश पैदा हो या और प्रकार से कॉन्फ्रंटेशन हो, तो वो परिवर्तन मुश्किल ही लगता है। ऐसा आई थिंक रियलिस्टिकली हम लोगों को ऐसा सोचना चाहिए। जो सिविल कोड की बात बताई, बड़ी अच्छी बात बताई है, उसमें मैं एक प्रश्न भी है और एक सुझाव भी है कि मान लीजिए जैसे हम लोग यहाँ पे मुस्लिम मैरिजेस के बारे में बात कर रहे हैं, डिवोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदूज वगैरह जो भी है, तो जैसे कि अगर दो कपल, एक कपल जो है किसी भी धर्म से हो, अगर वो सिविल मैरिज करता है, रजिस्टर करता है, सिविल मैरिज करता है, तो फिर जो सिविल मैरिज एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो अप्लाई करेंगे, चाहे वो डिवोर्स हो चाहे कुछ भी हो। एक तो बात ये है जो मैं समझता हूँ, मुझे कानूनी जानकारी नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट अंडरस्टैंड दिस, मेक दिस क्वेश्चन। दूसरा ये कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर है, अब उसमें ये जरूर है कि भाई हिंदू जॉइंट फैमिली या मुस्लिम हो, जो व्हाटएवर इट इज, लेकिन अगर किसी आदमी ने कोई भी धर्म या वर्ग का हो जिसने प्रॉपर्टी अपने आप अक्वायर की है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, खुद की प्रॉपर्टी है, तो मेरे ख्याल से उसका तो जो भी उसका जो जो विल है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है, वो तो मेरे ख्याल से वो किसी धर्म विशेष की पद से कवर नहीं है। तो इसमें एक बात मैं समझता हूँ कि अगर यही एक अवसर मिले लोगों को कि आपने एक कॉमन सिविल कोड बना लिया, ये नहीं कि भाई आप ऐसे हैं, आपने बना लिया, पूरा जो है सब वर्ग के लोग जो हैं, सब संप्रदाय के लोग, सब जो है इकोनॉमिक ग्रुपिंग जो है, जो भी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक प्रकार से बाय कंसेंसस एक सिविल कोड बना लें और इम्पोज ना करें किसी के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं तो आप उसको एडहियर करें, देन यू पार्ट ऑफ दैट, अगर आप नहीं चाहते तो आप ना करें। लेकिन एक ये ऑप्शन अगर किसी को मिलता है, वो भी एक काफी हद तक ये जो है वाकई एक प्रगति का एक जरिया है, क्योंकि अभी जो हो रहा है तो मैं समझता हूँ, जैसे आपने जिक्र किया कि महिलाओं जो हैं उनकी परिस्थिति खराब है, और आपसे खूब सहमत हूँ इस बात, लेकिन खराब क्यों होने की कई वजह है। ये नहीं कि धर्म गुरु ने जो है एक इम्पोज कर दिया है कि उसी वजह से महिलाओं की परिस्थिति खराब हो गई, सोशली भी है। अब जैसे आप ये खाप पंचायत वगैरह सुनते हैं कि साहब आप मोबाइल फोन लेके चलेंगे, किसी से बात नहीं करेंगे, जींस नहीं पहनेंगे, ये नहीं करेंगे, तो मतलब ये एक प्रकार से जो इम्पोजिशन है, जो कोवर्शन है सोसाइटी में, कि जो उसकी नेचुरल, उसकी जो प्रोसेस है उसको इम्पीड करने की कोशिश की जा रही है। तो एक प्रकार से इस विजिलेंटिज्म ऑफ सम काइंड, चाहे ये है, और इवन आई गिव अदर एग्जांपल, जैसे कि वो कुछ लोग करते हैं हिसाब से वैलेंटाइन डे कर लिया तो किसी जगह उसको मार दिया, उसको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, या ऐसा कि पार्क में बैठे हैं, दो लोग बैठे हैं, कोई अश्लील बर्ताव नहीं, कुछ नहीं था, उसको पीट दिया। तो मतलब कहने का यही है कि इन चीजों में कोई फोर्स ना इस्तेमाल की जाए, किसी से विजिलेंटिज्म ना हो, लेकिन एक जो है एक कानूनन एक अवसर मिले लोगों को ऑप्शंस का, तो अपने आप जो है बहुत सी समस्याएं जो हैं वो अपने आप मेरे हिसाब से जो है वो सॉल्व हो जाएगी। किसी का इम्पोजिशन नहीं, अगर आप नहीं चाहते कि आप जो है सिविल कोड को एडहियर करें, मत कीजिए आप, लेकिन मे भी आपका बच्चा चाहता है, आपकी बेटी चाहती है, आप जो है जब इंडिपेंडेंट हो गए वो चाहते हैं अदा करना, उसमें कौन रोक सकता है आपको। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि एक जो है, अब देखिए एक और उदाहरण है, जैसे कि भाई ठीक है हमारी वैल्यूज थी, सिविलाइजेशन जो भी कुछ था, लेकिन आज के जमाने में जो लोग हैं वो टीवी देखते हैं, वो टेक्नोलॉजी से उनके ऊपर काफी असर पड़ता है, सब बच्चे चाहते हैं कि साहब उनको अंग्रेजी आए, कंप्यूटर आए, जो भी कुछ है। तो प्रश्न ये है कि जो भी उनके ऊपर प्रभाव पड़ रहे हैं, जो कि कोई नहीं रोक सकता, किसी भी तरीके से कोई भी आप उसको रोक सकते, तो वो जो प्रभाव को अगर इंटरनलाइज तरीके से किया जाता है कि एक प्रकार से समाज में प्रोग्रेस हो, एक कोहेसिव तरीके से समाज का डेवलपमेंट हो, तो मेरे ख्याल से ये जो है ये प्रक्रिया को बड़ी आसानी से आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि आजकल जो है ग्लोबलाइजेशन जो हो गया है, आजकल वो सब जगह हो गया, अगर आप ग्लोबलाइजेशन हट के चलेंगे तो आप यू आर गोइंग बैकवर्ड, यू कैन डू
अफगानिस्तान में और नॉर्थ कोरिया में, बट द पॉइंट इज कि जो हम लोगों की जो जैसे हमारा समाज है, जैसे हमारे जो एक सोच विचार का ढंग है, वो जो है वो तो वैसा नहीं है और ऐसा हो भी नहीं पाएगा। थैंक यू। इसमें जो इन्होंने बात कही, देखिए उसमें क्रक्स ये है कि क्या पहले कॉमन सिविल कोड को एक प्रकार से ऑप्शनल बनाए, कौन लोग इस अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं। तो देखिए अंशतः जो स्पेशल मैरिज एक्ट है वो एक प्रकार का कॉमन सिविल कोड है आज भी, और कम से कम 30-35 साल से है, लेकिन लोगों ने उसको बिल्कुल स्वीकार नहीं किया है। ये स्वीकार मतलब बहुत कम शादियां होती हैं जो स्पेशल मैरिज एक्ट में होती है, वरना स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी होगी। विल तो एक अलग चीज है, विल तो स्पष्ट रूप से होती है, लेकिन झगड़ा वहां होता है जहां विल नहीं होती है, लोग कहते हैं कि ये विल नकली है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, हाँ, रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। लेकिन शादी के व्यवहार में भी तो मैं समझता हूं कि यहाँ कई चीजों को लेके चलना पड़ेगा। पहले तो आपको पब्लिक ओपिनियन बनाना पड़ेगा, लोगों की सहमति बनानी पड़ेगी कि परिवर्तन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और हर समाज और हर धार्मिक संप्रदाय और फिरके में से बनानी पड़ेगी, और वो नहीं हो सकती जब तक कि आप कुछ चीजों को छोड़ते नहीं। और वो छोड़ना सबसे मेरी दृष्टि में वो सबसे छोड़ने की जो आवश्यकता है वो ये है कि जो तथाकथित धार्मिक कानून बने हुए हैं, अब समय आ गया कि हम उनसे आगे बढ़ें, हम उनको पीछे छोड़ें। जब तक ये पहला चरण नहीं उठाया जाता कि आप हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ और क्रिश्चियन पर्सनल लॉ नहीं छोड़ेंगे और कुछ नई ओर नहीं जाएंगे, जब तक ये रेजिस्टेंस खत्म नहीं होती, तब तक हम जो बात आपने कही और जो आप भी कह रहे हो मैं भी कह रहा हूँ तो नहीं आएगी। नहीं, इसमें यह है कि कानून बनेगा तो फिर कानून में एक कन्वर्ट्स नहीं हो सकता है। एक कन्वर्ट्स तो भी है, जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो इसी प्रकार की बात है, और जो आपने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट वो भी व्यवस्था है, तो उससे तो रास्ता नहीं बन रहा है। और सरकार में तो कानून है या नहीं है दो ही रास्ते होते हैं। उसका प्रचार भी आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में पहली बार सुना है, नहीं जो कोर्ट में जाकर मैरिज करते हैं वो वही है, उसी का अनुसार है वो आवश्यक है। अधिकतर इस कर अधिकतर इज ओपन टू एनी नहीं, और ये हिंदू मैरिज एक्ट वगैरह वगैरह तो बनने की इनका आवश्यकता ही नहीं है। अगर समान सिविल संहिता होती तो ये बनने की, जब ये संविधान की अनुच्छेद 44 को भी जब जोड़ा गया तो उसमें भी मुस्लिम समाज के लोगों ने बहुत विरोध किया था उसका। ये मार्गदर्शक सिद्धांत में भी बात ना हो कि आगे इस दिशा में जाना है, इसके लिए भी ना हो, तो ये स्थिति है। सर को नमस्कार, मेरा नाम विशाल है सर। सर मेरा जो क्वेश्चन है वो स्पेशल मैरिज एक्ट से ही है, क्या मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार है कि वो गैर मुस्लिम पुरुष से विवाह कर सके, क्या उसको ये जो हमारा एक्ट है स्पेशल मैरिज एक्ट उसको ये अधिकार देता है क्या? देखिए स्पेशल मैरिज एक्ट को आप पढ़ेंगे तो बड़ा आसान है पढ़ना, गूगल कर लीजिए। तो वो बनाया इसलिए गया है कि जब एक धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से विवाह करना चाहता है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में करेगा, ये प्रोविजन है। ये भी संभव है कि दो हिंदू कहें कि साहब हम तो हिंदू मैरिज एक्ट में नहीं करते, हम स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर करते हैं मैरिज को, तो फिर आगे चलकर डाइवोर्स और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन उसी एक्ट के अनुसार होगा। ये तो ये ऑप्शन आपको दिया गया है। समस्या फिर परंपरा की है, परंपरा ये की समस्या ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में दोनों का मुस्लिम होना आवश्यक है, हिंदू पर्सनल लॉ में दोनों का हिंदू होना आवश्यक है, जबकि पूरे शास्त्रीय परंपरा में ये आवश्यक नहीं है।
भारत के अंदर ये आवश्यक नहीं था कि हम दोनों एक ही संप्रदाय और एक ही गुरु और एक ही उसको मानने वाले हों, मनुस्मृति और जितने उसमें नहीं था ये। जब हिंदू पर्सनल लॉ बना तब ये लिखा। ये अगला प्रश्न उठा के सकते हैं सर, आपने कहा था कि पुराणों में कुछ ऐसे नियम थे जो अब मान्य नहीं है, कुछ नियम जानना चाहूंगा सर, कौन से नियम ऐसे? नहीं, वो नियम नहीं है, कुछ बात ऐसी लिखी गई है। नहीं, इसकी चर्चा भी नहीं करूंगा क्योंकि तो इसमें कोई भी बात है जो कई बात है कालबाह्य होती है, जैसे जाति प्रथा, तो वो जरूरत नहीं है आज उसकी, या वर्ण व्यवस्था उस समय जो थी। देखिए बहुत से ऐसी चीजें, बहुत से ऐसे कानून थे जिन कानून को मैं एक तो उदाहरण की शंका के लिए एक दो मिनट में दे देता हूं। जैसे नियोग, नियोग यानी मेरे संतान उत्पन्न नहीं हो रही है तो मैं अपने किसी गोत्र के व्यक्ति से, गुरु से या अपने भाई से संतान अपनी पत्नी में उत्पन्न करा सकता, ये नियोग था और नियोग एक व्यवस्था थी या कानून था। उसमें कर्म करने की व्यवस्था ही चलती थी। नहीं मतलब वो एक शास्त्र में लिखा हुआ है कि नियोग के द्वारा हो, तो वो उसको हम एक प्रकार से लॉ मानते थे, लेकिन फिर एक समय आया जब ये कहा गया कि अब ये नहीं चलेगा, उसको वर्जित कर दिया गया, तो समाज में परिस्थिति बदली तो उसको वर्जित कर दिया गया। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन भारतवर्ष में फ्लेक्सिबिलिटी जिसको हम कहेंगे या लचीलापन एक दूसरे तरह से रखा गया। वो ये रखा गया कि ये तो है कानून या शास्त्राचार जो स्मृति में लिखा है, जो कोर्ट में माना जाएगा, न्यायालय में चलेगा, चलता रहा, उसके लेख हैं, आप मैंने पूरे एपिग्राफिक एविडेंस है। इसके अलावा एक लोकाचार था कि इस प्रदेश के अंदर ऐसी परंपरा बनी हुई है और हम उसको मानते हुए उसका व्यवहार करें, और वो बहुत तरह तरह के भारतवर्ष में अलग अलग जगह में वो चलता था, और फिर उसमें ये कहा जाता था कि लोकाचार जो है वो शास्त्राचार से ज्यादा बलवान, वो मान लिया गया। ये डाइवर्सिटी थी, ये विविधता थी। धन्यवाद सर। मेरी समझ और दूसरी बात, जैसे आप लोगों से सहमत हूं और सब लोग सहमत होंगे कि इसका अनुपालन कराना, इसको लागू करना इतना आसान नहीं है, बात सही है, लेकिन मुझे तो ये भी कहना है कि शांत जल में एक कंकड़ फेंकना मेरे बस में है, उससे उठी लहरों को रोकना किसी के बस में नहीं है। तो हम इस धारणा को लेकर चले कि कहीं कुछ नहीं हो सकता, फिर भी बहुत कुछ हो सकता है, और ये मैंने देखा है। जैसे अब मैं चाहूंगा कि वो संक्षेप अपनी बात कहूं कि कॉमन सिविल कोड से आज चर्चा शुरू हुई तो इसका अनुपालन भी शुरू होना चाहिए आज से। हम घरों में जाएं, इसकी चर्चा करें अपने परिवार में, बच्चों से, महिलाओं से, और इसको कैसे चालू किया जाए, शुरू किया जाए, ये हम आज से शुरू कर दें। जैसे व्यक्तिगत रूप से मैं अपना उदाहरण दूंगा कि ये इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से ये रिलेटेड है कि महिलाओं को, नारियों को उनका वास्तविक अधिकार, समान अधिकार प्राप्त हो, इस पर हम लोग अपनी मानसिकता बनाए। जैसे मैंने व्यक्तिगत उदाहरण देता हूं कि मेरे 3 बेटियां और 1 बेटा है, तो मैंने अभी क्या किया, एक विल बना लिया, वसीयत बना लिया और सबको अपनी संपत्ति में बराबर अधिकार दे दिए, और उसकी कॉपी सभी बेटे बेटियों को डाल दी, सबके हाथ में दे दिया। एक जो ओरिजिनल
ओरिजिनल मेरे पास रखा, उसकी फोटो स्टेट कॉपी सब करवा के सभी को दे दिया, हाथ में दे दिया कि भाई लीजिए आप लोगों का सबको बराबर अधिकार दे दिया मैंने। इसका असर क्या हुआ, जो मेरे द, 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 ये द, ये थे मेहमान जो है सनी लॉ, उनके घर में ये चर्चा पहुंची, हमारे जो बेटियां हैं उनके जो ससुराल हैं वहां चर्चा पहुंची कि अरे ये तो हद हो गई, इसने जो है इसने तो अपनी जो प्रॉपर्टी को विल बना के सबको बांटी दिया। अब उनके घर में जो बेटियां थी वो भी वो बोलने लगी कि जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो कॉमन सिविल कोड का पालन तो मैंने शुरू कर दिया और बाकी ऐसे वो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक जो है आंदोलन शुरू हो चुका और ये इसके लिए हमको कोई प्राइम मिनिस्टर को या किसी खास सरकार को की ओर देखने की जरूरत नहीं, हम पहले अपने घर में कॉमन सिविल कोड शुरू करें। और आज से और इस चर्चा के बाद से बाहर जब हम जाएं तो इसकी गूंज सुनाई देनी चाहिए कि कॉमन सिविल कोड हम लोगों ने मानना शुरू कर दिया। तो मेरा कहना दूसरी बात ये कहना चाहूंगा अपनी बात समाप्त करके और अपनी बात समाप्त करके अंत करूंगा कि जैसे कॉमन सिविल कोड पर चर्चा शुरू हुई है वैसे ही कॉमन क्रिमिनल कोड पर ही चर्चा होनी चाहिए। एक मिनट बस मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। आईपीसी तो एक ही है, इंडियन पीनल कोड तो एक ही है और सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड वो भी एक ही है, सीआरपीसी दोनों ही एक है। केवल पर्सनल लॉ में का झगड़ा है बस और कुछ नहीं। मैं ये कहूंगा सर कि अधिकांश हमारे देश में कोई कोड है वगैरह नहीं है, क्योंकि अगर एक्ट कोड का मतलब ये होता है कि अगर हनन हो तो उसको न्याय मिल सके, अगर लेकिन न्याय मिलने में अगर 20 साल 30 साल लग रहे हैं तो वो बेमतलब कोड वगैरह है। लाठी एक मात्र कोड है यहाँ पर, तो आप हम ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं कोड और एक्ट की तरफ। ये कहूँगा सर रूल ऑफ लॉ अंग्रेजी सिद्धांत है, इस देश में इस तरह का रूल ऑफ लॉ किसी चीज में नहीं है। बात सही है। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम अंकुर कंसल है। आप माइक ले लो, माइक रिकॉर्डिंग भी होगा। नमस्कार आप सब। मेरा नाम अंकुर कंसल है, मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ। सर मैंने मेरे पिछले वर्ष में एक थ्योरी पढ़ी, वॉल्टर लिपमैन्स थ्योरी ऑफ पब्लिक ओपिनियन फॉर्मेशन। तो उसमें मैंने ये पढ़ा कि जब वुड्रो विल्सन की सरकार थी अमेरिका में, तब तो वॉल्टर लिपमैन ये कहते हैं कि अधिकतर जो जनता है वो बिविल्डर्ड हार्ड है, तो कुछ इंटेलेक्चुअल्स और एजुकेशनिस्ट की हमेशा ज़रूरत रहती है सोसाइटी में, और वही हैं जो सभी के लिए डिसीजंस लेते हैं। तो जैसा कि आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि एक पब्लिक ओपिनियन जन राय बनाने की ज़रूरत है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर वो कैसे होता है और पब्लिक पार्टिसिपेशन कैसे होता है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की जो एक पावर है वो तो हमेशा से ही कुछ लोगों के हाथ में रहती आई है, और जब उनसे ये सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन वो लेना चाहिए और उस हिसाब से मतलब निर्णय लिए जाने चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। मैंने मेरे उद्बोधन में भी कहा था कि ये ओपिनियन बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, ये भले हम 30 लोग यहाँ इकट्ठे हुए लेकिन हमने शुरुआत कर दी हो और आपने तो इससे बहुत आगे की बात कर दी थी, ओपिनियन नहीं अमलीकरण की शुरुआत कर दी, तो यही बात आगे बढ़ती है। तो अभी हम लोगों का दायित्व तो बन जाता है कि इस प्रकार की स्थान स्थान पर गोष्ठियों का आयोजन करें। जैसे आप पत्रकारिता का छात्र है तो आप अपने पत्रकारिता के छात्र है, आपका 25-40-50 का ग्रुप होगा, उसमें इस विषय की चर्चा करें।
तो ऐसे हम अपने अपने क्षेत्र में भी इस चर्चा को प्रारंभ करें, और यहाँ शायद वो कितना हो पाया मैं किसी को पूछना नहीं चाहता हूँ, लेकिन संबंधित सारे वर्ग के लोग धीरे धीरे इसमें सम्मिलित हो इसका भी प्रयास किया जाए। जैसे महिला पुरुष ये दो एक वर्ग है सम्मिलित, तो उसी प्रकार अलग अलग संप्रदाय के जो लोग हैं वो भी अगर इसमें सम्मिलित होते हैं तो और ज्यादा अच्छी बात होगी। तो इस प्रकार का प्रयास से आगे बढ़ाना। और दूसरी बात है कि जो आपने कहा ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि दहेज विरुद्ध अधिनियम है, कानून है, लेकिन व्यवहार में नहीं आ सकता है, तो क्या इसको हम व्यवहार में ला सकते हैं? हमारे मित्र डॉक्टर थे तो उनको कहा उन परिवारों के, आपकी लड़की जब आपके घर में थी तब आपका दायित्व, अभी मेरे यहाँ है तो मेरा दायित्व है, वो दो कपड़े पहनकर आ जाए इतना पर्याप्त है। तो ऐसी बातों की शुरुआत करनी पड़ेगी हम लोगों दोनों बात इसमें। और आपने जो एक बात की कि ये हमारे यहाँ अधिकारों से अधिकारों की बात ही नहीं थी, कर्तव्य की बात ज्यादा थी। पुरुष भले ही पैसा लाता था कमाकर, लेकिन सारे घर का कारोबार चलाने का कार्य महिला करती थी। मुझे मेरे अनुभव से ना मेरा कि मेरी दादी सारा घर चलाती थी, मेरे पिताजी दादा पैसा कमाने लाते थे, लेकिन मेरे पिताजी को भी पैसा चाहिए तो दादी से लेते थे। तो ये जब परंपरा थी तब अधिकारों की बात नहीं थी। पुरुष ये नहीं सोचता था मैं कमाता हूं फिर मैं पैसा के लिए उनको दे दूं और फिर मुझे इनसे बात लेना, ये नहीं था। तो कर्तव्यों की बात जब आगे बढ़ जाती है तो अधिकार भी अपने आप ठीक हो जाते हैं। और मेरे कर्तव्य में आपके अधिकार छुपे हुए हैं। तो ये मार्गदर्शक सिद्धांत जो मैंने कहा ज्यादा महत्वपूर्ण संविधान के, वो कर्तव्य के संदर्भ में, उसको जितना हम आगे बढ़ाएंगे तो ये अधिकारों की बात अपने आप ठीक होती जाएगी। मैं एक छोटी सी बात जोड़ूंगा कि जितना कॉन्स्टिट्यूशन है आज हमारा और अधिकांश देशों का, उसमें अधिकार या राइट्स को रखा गया है कि उसमें यह माना गया है कि कुछ लोग जो हैं वो बेचारे विपन्न हैं, विक्टिम हैं, और उनको बचाना, विक्टिम्स को बचाना ये फ्रीडम है, ये समाज का कल्याण। अब मैं वास्तव में इसको सही नहीं मानता। कर्तव्य करना सबसे पहले काम है। देखिए आज ठीक है कि आप नहीं चाहेंगे कि कोई किसी को खाना ना मिले, खासतौर से बूढ़े माँ बाप को, लेकिन जगह अगर ये कर्तव्य के अंतर्गत आता है कि आपको माँ बाप के का ध्यान रखना ही पड़ेगा, राइट्स के साथ साथ ये ड्यूटी भी कॉन्स्टिट्यूशनली डिफाइन हो जाती है, तो बात अलग हो जाती है। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जिसपे हमें सोचना है कि हम ड्यूटीज कैसे डिफाइन करके उन्हें एनफोर्स कराएंगे। केवल हम राइट्स की बात करते रहेंगे तो फिर एक संघर्ष बढ़ता जाएगा। ड्यूटीज की बात भी शुरू करनी है और ड्यूटीज कैसे इंप्लीमेंट हो और फिर ड्यूटी न करने पर किसको क्या बहिष्कार हो या सजा हो या उसका लोग में किस तरह से आपस में विरोधाभास होगा खड़ा कर रहा है इसे, क्योंकि जब ड्यूटी के न की जाए तो उसको कुछ सजा की जाए तो फिर वो दूसरे के अधिकार की बात आ जाती है, तो फिर वो कानून बन जाता है। ड्यूटी कर्तव्य है वो तो एक संस्कारों से बनता है, एक वातावरण निर्माण करने से बातें बनती है। जैसे आपने स्वयं कही उनके लड़की लड़की ने थोड़ा मांगा था उनके पास, लेकिन आपने स्वयं होकर वो किया, वो कर्तव्य है। वो नहीं करते हैं तो उनको कोई सजा नहीं होने वाली थी। जब सजा की बात आ गई तो कानून की बात आ जाएगी और अधिकार की बात आ जाएगी। तो जो कर्तव्य भाव है वो तो समाज में संस्कारों के द्वारा जागृत किया जा सकता है। हाँ जी नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। वैसे तो व्यक्तिगत रूप से मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थक हूँ, और वो इस
वो एक सैद्धांतिक रूप से है कि एक सोसाइटी है तो सबके लिए एक लॉ होना चाहिए, पर आज का जो थीम है वो ये है कि महिलाओं का जो उनके जो मानवाधिकार हैं वो किस तरह से इससे ऊपर उठेंगे। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे हमारे अभी पर्सनल लॉज हैं, हिंदू पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, और उनमें भी अभी एक प्रक्रिया चल रही है जिसमें इम्प्रूवमेंट्स हैं, जैसे आपने ट्रिपल तलाक उसकी बात की और कैसे वो सब इम्प्रूव हो रहा है। तो एक तर्क जो पेश किया जा सकता है इसमें वो ये है कि अभी भी ये प्रक्रिया जारी है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से इसमें क्या फर्क पड़ेगा? मतलब अगर हर जो सेक्शन है सोसाइटी का वो अलग अलग तरीके से ये कर रहा है, जैसे डिवोर्स के ऊपर या जो सती की प्रैक्टिस एंड की गई तो वो तो चल ही रहा था, और उस पे अगर हम ध्यान देते हैं और उसको हम बढ़ावा देते हैं तो उससे महिलाओं के जो जो अस्तित्व है समाज में उस पर ज्यादा फर्क पड़ेगा, ना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से। तो मेरा ये सवाल है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या फर्क पड़ेगा उसमें? नहीं, ये बात आ गई थी कि जो समान नागरिक कानून बनेगा तो इससे ये होगा कि फिर ये बातें तीन शादी व्यक्ति नहीं कर सकता, फिर तीन बार तलाक बोलने से व्यक्ति महिला को छोड़ नहीं सकता। महिला को साथ तो अगर जो आज डाइवोर्स के कानून है आके, तो अगर होता है दोनों की सहमति से होता है तो भी महिला का जीवन निर्वाह के लिए उनको देना पड़ता है सारी बातें, ये सारी बात होगी। पर वो तो फिर उसमें तो ये बात आ जाती है, फिर ये बोला जाएगा कि फिर तो उसमें ये बोला जाएगा कि जो हिंदू समाज है तो जो हिंदू समाज के नियम है वो अल्पसंख्यक संख्यकों पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। हिंदू समाज का नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट तो अलग से है, उसकी बात नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट भी है, मुस्लिमों के लिए अलग एक है। मैं समझ रहा हूं। तो ये तीनों अलग अलग है, इसके बदले एक समान हो जाएगा। हाँ, पर अभी जो सामान्य जो लॉ है जिसमें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है जैसे, तो वो तो हिंदू सोसाइटी पर एप्लीकेबल है ना। अब अगर हम हिंदू वर्सेस मुस्लिम से कंपैरिजन करें, that is not the common civil court is not going to draw from Hindu marriage act। देखिए, अगर किसी एक पर्सनल लॉ में से कॉमन सिविल कोड ड्रॉ करने लगा तो उसका बनाने का मतलब ही नहीं है। इसमें कंसेंसस, वो तो आपको उन चीजों को प्रमुख करना पड़ेगा जो सबके हित में हो, और महिलाओं के लिए ये है कि जहां महिलाओं को अधिकार अधिक मिल जाते हैं आपको वो परिवर्तन और वो कानून लाना होगा जो कॉमन सिविल कोड का हिस्सा। जब तक आप वो नहीं करते हैं तब तक फिर उन्हें क्या मिला या औरों को भी क्या मिला? इसमें एग्जांपल दे सकता हूं? हाँ, आपने आरटी की बात की, राइट टू एजुकेशन। मैंने तो राइट टू, आप दोनों को एक मैं समझ तो राइट टू एजुकेशन में अभी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो उसके पव्यू में आते हैं वो मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन, और अगर क्रिश्चियन कॉलेज है या मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है तो उसमें नहीं आता। तो अब जब हम इसको एक्सटेंड करते हैं टू दोज कॉलेजेस तो ये बोला जाएगा कि जो मेजॉरिटी के मेजॉरिटेरियन हो गया, ये मेरा कहने का मतलब लिमिटेड पॉइंट वो है। ये आपका शुभ नाम आशीष। आशीष, ऐसा है कि दुनिया का एक दुर्भाग्यपूर्ण देश ये है कि जहां बहुसंख्यकों से अल्पसंख्यकों को अधिकार ज्यादा है। ये विचित्र स्थिति है, दुनिया में अल्पसंख्यकों को कम अधिकार होता है हर जगह। तो ये एक तो दूसरी बात है कि वास्तव में तो ये बहुसंख्यकों पर अन्याय है, तो सबको समान रूप से न्याय मिलना चाहिए, न्याय तो तब होगा। लेकिन उसको भी हम छोड़ देते हैं कि भाई बहुसंख्यकों पर न्याय, अन्याय को भी छोड़ देते हैं। सवाल ये है कि इस देश की महिलाओं का सवाल है, और 50% हिस्सा देश का इस पर अन्याय अत्याचार होता रहेगा तो कैसे हम विकास कर पाएंगे? सही है।
सर मैं जो बात है दो पार्ट में करना चाहती हूँ, एक तो महिलाओं के और एक महिलाओं के परिपेक्ष में और दूसरा सिविल कोड के परिपेक्ष में। तो महिलाओं के परिपेक्ष में तो सिर्फ एक मेरी व्यथा है जो व्यक्त कर रही हूँ बस, कि एक जो मानस बदलने वाली जो सर ने बात करी है, तो अगर मैं ऊपर से देखूं जो हमारे पॉलिसी लेवल से जितनी थिंकिंग है, हमने ये जेंडर बजटिंग, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग और एमएचआरडी ने जेंडर सेंसिटिविटी के लिए इतने कदम उठाए हैं, लेकिन उसमें जो अप्रोच है क्या वो भी वेस्टर्न है? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो इंडियनाइज नहीं है। तो क्या हम, क्योंकि समाज हमारा आज भी कहीं ना कहीं इंडियनाइज मूल्यों के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, महिलाओं का रोल भी उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है, लेकिन हम जो ऊपर से कदम उठा रहे हैं महिलाओं को इंक्लूसिवनेस का प्रॉमिस देने के लिए, वो वेस्टर्नाइज थॉट है। तो क्या हम इंक्लूजन एक्चुअली में महिलाओं के हृदय की जो मतलब व्यथाएं हैं उनकी उनसे जुड़ पाएंगे, या सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स में रह के पैसा भी खर्च करेंगे और सेंसिटिविटी भी क्रिएट करेंगे पर कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा, कभी नहीं निकलेगा? और इसी के साथ एक और है कि एकेडमिक पर्सपेक्टिव से जेंडर स्टडीज में थोड़ा स्टडी मतलब नेट वगैरह देने के लिए मैंने जितना स्टडी किया है, तो काफी समय से वेस्टर्न वर्ल्ड में इट हैज लाइक कितने सालों से ये चलता आ रहा है। भारत ऐसा देश है जिसमें महिलाओं को अधिकार मतलब आजादी के समय से ही वोट करने का अधिकार मिला, लेकिन हमारा जो जेंडर स्टडीज का जितना सिलेबस है, मोस्ट ऑफ द सिलेबस करिकुलम में उसमें बहुत सारी चीजें जो मतलब लिटरेचर है वो अभी भी हम बाहर का ही पढ़ रहे हैं, फॉरेन राइटर्स, और हम शुरुआत करते हैं वो भी कहीं महाराष्ट्र के किसी इंस्टीट्यूट में या हैदराबाद के किसी इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे हमारे ताराबाई शिंदे से लेकर के मतलब इंडिजिनाइज लिटरेचर के बारे में हम पढ़ते हैं। और भी मैं मतलब पढ़ते पढ़ते लगता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स का पूरा महिलाओं का इतिहास लिटरेचर डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग है। तो हम जेंडर स्टडीज करके कोर्स भी शुरू कर दिया है, उसमें हम महिलाओं के अधिकारों के लिए खूब प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं कि महिलाओं के बारे में पढ़ें, लेकिन हम कितना भारत की महिलाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, कितना भारत की महिलाओं के दृष्टिकोण से सोच के उनके बारे में पढ़ रहे हैं, ये बारे में सोचने के विषय है। दूसरा जो पार्ट है सिविल कोड का मुद्दा, तो एक तो मैं बोलना चाहती थी संवाद में जो गैप है वो सर ने बोल ही दिया। दूसरी चीज जो मेरे मन में एक सवाल आती है, इतने सारे कानून है, इंसान अपनी जिंदगी कैसे जिए उसके लिए, हिंदू मैरिज एक्ट है, देन महिलाओं को प्रोटेक्शन देने के लिए समय समय पर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बना, फिर डाइवोर्स एक्ट बना, देन मुस्लिम्स के लिए अलग एक्ट है, इतने कॉम्प्लेक्सिटीज है कि महिलाओं को तो पता ही नहीं होता है कि बहुत रेयर अगर एनजीओ तक पहुंची तो पता होता है कि उसको अधिकारों का प्रोटेक्शन कहाँ होगा। तो यदि अगर हमें स्टार्ट करना है सिविल कोड की तरफ एक कदम बढ़ाना है, तो क्योंकि मुस्लिम लॉज को अमेंड करने के लिए शायद हमें बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़े, सिर्फ मेजोरिटेरियन के पर्सपेक्टिव से सोच के जितने बाकी बचे हुए कॉम्प्लेक्स लॉज बचे हैं मल्टीपल लॉज, क्या हम मर्ज करके एक लॉ बना सकते हैं? और टू बिगिन विद क्या इस दिशा में कुछ हो सकता है, लाइक एक स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू पर्सनल लॉ दोनों को मिक्स करके या किसी को डिमोलिश करके या दोनों में से अच्छी बातें निकाल करके सिर्फ मेजोरिटी पर्सपेक्टिव से हम एक दिशा में बढ़े, शायद जो दूसरे समाज के लोग हैं जिन्हें रेजिस्टेंस फेस करते हैं, बिकॉज मुझे तो लगता है हिंदू पर्सनल लॉ के नाम से वो बोलते हैं कि आप सिविल कोड बनाओगे तो आप हिंदू पर्सनल लॉ बनाओगे, जिसमें हिंदू तो सर ने भी बोला कुछ है नहीं, तो वो अपवाद को खत्म करने के लिए मतलब एक रेजिस्टेंस को खत्म करने के लिए क्या हम एक कॉम्प्लेक्सिटी और मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज को खत्म कर सकते हैं? ये ऐसा नहीं, कुछ बात है ऐसी हो गई है कि जो हमने स्वतंत्रता के समय नहीं किया और उसके बाद इन सारे विषयों पर राजनीति की गई, इसका एक परिणाम है। तो हमने संविधान कैसे बनाया, 10-20 देशों का संविधान ला कर उठा लाया, उसको में से हमने अपना संविधान बना लिया। तो जैसे आपने कहा कि जो महिलाओं के संदर्भ में पढ़ाया भी जो जाता है वो भी सारा वेस्टर्न है, सही बात। तो शुरुआत वहां से करनी पड़ेगी कि आप भारतीय सोच से महिलाओं के बारे में किताब लिखो, क्योंकि आज महिलाओं के संदर्भ में विचार के संदर्भ में किताबें और उसका सिलेबस आदि वो इस विचार के लोग नहीं लिख रहे हैं,
इसलिए चार लोग इस पर काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए तथाकथित वामपंथी कहो बाकी सब कहो उनका विचार है, उनको यही लगता है कि दुनिया में यहाँ कुछ था ही नहीं, दुनिया से बाहर से सब लाना है। तो इसलिए मूल काम तो ये है जो आपने विषय उठाया, इससे अलग विषय है लेकिन मूल शिक्षा का विषय। देश की शिक्षा ठीक होगी बहुत कुछ ठीक हो जाएगा। तो मेरे परिचय में आपने कहा कि शिक्षा के संदर्भ में अपनी विरासत को कैसे लाना, इतना ही विषय नहीं है, समग्र शिक्षा में बदलाव कैसे होना ये विषय। कि आज आधुनिकता भी हमारी शिक्षा में कहाँ है, वास्तविक आधुनिकता जिसको कहें, वही 25-30-40 साल से वही सिलेबस चल रहे हैं। तो हमने हमारा भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको भी जोड़ना है, हमने आधुनिकता को भी जोड़ना है, और वो सारा अपनी भाषा में करना है। वो जब तक नहीं होगा तब तक कोई लाभ नहीं होगा। तो ये जो शिक्षा का मूल विषय है वहां से बदलाव होगा तो बहुत सारा बदलाव हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि हमारे मेरे एक या तो हिंदू एक दोनों को मर्ज कर दे और हमसे शुरुआत करें, वहां तो समस्या है ही नहीं, वहां तो है तो कम समस्या है तुलना। तो आज समान नागरिक कानून की भी चर्चा कौन कर रहे हैं? तो इसलिए वहां शुरू होने की जरूरत है। जब तक वो नहीं शुरू होगा तब तक बातें बनेगी नहीं। इसलिए मैंने कहा इस प्रकार की चर्चा में सब प्रकार के लोगों को सम्मिलित धीरे धीरे हम करें, जहां जहां प्रयास करें तो ये बात होगी, वो वहां भी कुछ शुरुआत हो गई। इसको गति तेज कैसे मिले इस दिशा में प्रयास आवश्यक है। हम लोग बहुत साल से यूनिवर्सल सिविल कोड की बात सुनते आ रहे हैं पर इस दिशा में कोई प्रगति नहीं है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इसके खिलाफ हैं, क्योंकि जो बरसों से वो एंजॉय कर रहे हैं उनके राइट्स कर्टेल हो जाएंगे। अब सवाल ये है हमारी सरकार इस दिशा में भविष्य में कुछ कर पाएगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो किसी संप्रदाय को नाखुश करके करना चाहेंगे इस चीज को। तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में मुस्तकबिल में हम इस चीज की उम्मीद कर सकते हैं कि यूनिवर्सल सिविल कोड लागू सरकार करेगी पर जबरदस्ती तो नहीं कर पाएगी? मुझे नहीं लगता कि जबरदस्ती कर पाएगी, करना भी नहीं चाहिए। ये तो संभव नहीं है, यहाँ कंसेंसस की बात है। आपके पीछे महिला बैठी है, कुछ कहना चाहती है आपका? अच्छा, मुझे ऐसा लगा जैसे आपने आ चलिए अब मैं समझता हूँ कि आज एक बहुत अच्छी चर्चा हुई, आप आए, इस पर विचार हुआ, और जैसा कि यहाँ कहा गया कि अब इसको घर में मोहल्ले में आसपास इस चर्चा को बढ़ाना है, और ये चर्चा वास्तव में परिवर्तन की चर्चा है कि जीवन पद्धति में विशेषकर महिलाओं के जीवन में किस तरह से आप परिवर्तन लाएंगे, तभी एक कॉमन सिविल कोड की ओर विचार उत्पन्न होगा और तभी उस पर सब लोग एक राय बनाकर कुछ कानून बना सकेंगे। आप सब आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुजारी जी का भी धन्यवाद देता हूँ और मैं अब चाहूंगा कि अपने अंतिम वाक्य देकर। नहीं, वाक्य एक ही कहूँगा, क्षमा करिए, आपका शुभ नाम जी राजकिशोर सिन्हा। मैं वैसे तो जानता हूँ लेकिन थोड़ा मूल बात राजकिशोर जी ने कही ना, वो हम सब कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शुरुआत वहां से करें तो बाकी बातें आगे बढ़ती जाएंगी। धन्यवाद।